लिए रुख करेंगे आप खबरों का। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा, भाजपा गुंडों की पार्टी है, इसका मॉडल सिर्फ गुंडागर्दी करना, गुंडों को सम्मानित करना और क्रिमिनल्स के साथ खड़े होना है। साथ ही आम आदमी पार्टी को सम्मानित पढ़े लिखे और देशभक्तों की पार्टी बताया। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि जनता आम आदमी पार्टी को विकल्प के रूप में देख रही है, इसलिए भाजपा में अब बौखलाहट है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर पर हमला करने वाले गुंडों को अपने दफ्तर में अपने सीनियर नेताओं द्वारा सम्मानित कराया, हीरो की तरह सम्मानित कराया, उससे ये साफ हो गया, भारतीय जनता पार्टी ने अपना चरित्र उजागर कर दिया कि वो किस तरह से लफंगों और गुंडों की पार्टी बन गई है, किस तरह से पूरे देश में अब एक ही संदेश है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि अगर आप सड़क पे लफंगे ही करते हैं, लुच्चे हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, बलात्कार करते हैं, तो आप आइए, भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी गुंडई करने पे, लफंगई करने पे, लोगों के साथ मारपीट करने पे ना सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करेगी बल्कि अपने दफ्तर में अपने नेताओं से आपका स्वागत भी कराएगी, आपको हीरो की तरह सम्मानित भी कराएगी। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र अब हो गया है। और कल जिस तरह से बीजेपी ने मुख्यमंत्री के घर पे हमला करने वाले लोगों को सम्मानित किया, उनको हीरो बना के पेश किया, इसका मतलब आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मान चुकी है कि उसके हीरो, उसके नायक इस देश के स्वतंत्रता सेनानी नहीं हैं, इस देश के पढ़े लिखे लोग, इस देश के लिए जान देने वाले शहीद सैनिक नहीं हैं, उसके नायक रस्ते में लफंगई करने वाले गुंडे, लुच्चे, बदमाश हैं जो लोगों के घरों पर हमले करते हैं। जिस तरह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर पर हमला करने वाले गुंडों को अपने दफ्तर में अपने सीनियर नेताओं द्वारा सम्मानित कराया, हीरो की तरह सम्मानित कराया, उससे ये साफ हो गया, भारतीय जनता पार्टी ने अपना चरित्र उजागर कर दिया कि वो किस तरह से लफंगों और गुंडों की पार्टी बन गई है, किस तरह से पूरे देश में अब एक ही संदेश है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि अगर आप सड़क पर लफंगे ही करते हैं, लुच्चे हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, बलात्कार करते हैं, तो आप आइए, भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी गुंडई करने पे, लफंगई करने पे, लोगों के साथ मारपीट करने पे ना सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करेगी बल्कि अपने दफ्तर में अपने नेताओं से आपका स्वागत भी कराएगी, आपको हीरो की तरह सम्मानित भी कराएगी। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र अब हो गया है। और कल जिस तरह से बीजेपी ने मुख्यमंत्री के घर पर हमला करने वाले लोगों को सम्मानित किया, उनको हीरो बना के पेश किया, इसका मतलब आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मान चुकी है कि उसके हीरो, उसके नायक इस देश के स्वतंत्रता सेनानी नहीं हैं, इस देश के पढ़े लिखे लोग, इस देश के लिए जान देने वाले शहीद सैनिक नहीं हैं, उसके नायक रस्ते में लफंगई करने वाले गुंडे, लुच्चे, बदमाश हैं जो लोगों के घरों पर हमले करते हैं। इस तरह